आपने कहा, एक तो मनीष जी ने देखिए, मनीष जी का भी ऑडियंस होगा, हमारा भी ऑडियंस है। अब ये इनका कहना कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी से बात नहीं की, अब देश ही जानेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और किन किन मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जान माल पहले बचा लो, इकोनॉमी हम लोग देख लेंगे, और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बढ़ चढ़ के कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ये पूरा देश जानता है। तो कौन सच बोल रहा है और हर दिन कैसी बैठकें होती थी और दूसरे दूसरे पार्टी के लोगों ने बताया है, तो इस पर मैं कोई चर्चा नहीं। यहाँ सच और झूठ का तो तय 125 करोड़ देशवासी करेंगे कि मनीष जी झूठ बोल रहे हैं या राजीव प्रताप रूडी, देश के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या राहुल गांधी सच बोलते हैं, ये तो लोग ही तय कर पाएंगे, हमारे और आपके तूतू मैसेज नहीं होगा। मुझे इस बात की थोड़ी चिंता लग रही है कि कांग्रेस पार्टी, जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, ये देश के आर्थिक व्यवस्था और उसके निर्णयों के बारे में नहीं बोल रही है। ये कोविड में माइग्रेंट लेबर दुर्दशा ये आप करेंगे, लेकिन लोग आपके एक बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं मनीष जी।